कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केरल की वायनाड सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान प्रियंका के साथ उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। आपको बता दें, राहुल गांधी ने वायनाड सीट रायबरेली से जीत के बाद छोड़ दी थी और इसी कारण यहाँ उपचुनाव हो रहा है। राहुल लोकसभा से विपक्ष के नेता हैं, जबकि उनकी मां सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य हैं। आपको बता दें कि नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले प्रियंका ने रोड शो और जनसभा को संबोधित भी किया था। जनता को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि पहली बार मैं खुद के लिए प्रचार कर रही हूं, मैं वायनाड के साथ हर हाल में खड़ी हूं, मेरी इस नई यात्रा में जनता मेरी मार्गदर्शक है। मैंने अपनी माँ, भाई और मेरे बहुत सारे साथियों के लिए कैंपेन किया। पिछले 35 सालों में मैं अलग अलग चुनावों के लिए प्रचार कर रही हूँ। मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे वायनाड से उम्मीदवार बनने का सौभाग्य प्रदान किया। उन्होंने आगे कहा कि सत्य और हिंसा ने मेरे भाई राहुल गांधी को एकता और प्रेम के लिए देश भर में 8000 किलोमीटर पैदल चलने के लिए प्रेरित किया। जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी, तब आप उनके साथ खड़े थे। मेरे भाई को लड़ने के लिए आप लोगों ने साहस दिया। मेरा पूरा परिवार आपका कर्जदार है। मेरे भाई ने मुझे बताया कि आप लोग किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। मैं आपके घर आना चाहती हूँ और आपसे सीधा समझना चाहती हूँ कि आपकी समस्याएं क्या है और हम उनसे कैसे निपट सकते हैं। आपको बता दें, वायनाड से निर्वाचित होने पर प्रियंका गांधी पहली बार किसी सदन की सदस्य बनेंगी और गांधी परिवार के 3 सदस्य यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका एक साथ संसद में रहेंगे। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति में उतरी थी, उसके बाद से ही वो पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी निभा रही है। राहुल गांधी यूपी के रायबरेली से सांसद हैं और इस बार अगर प्रियंका गांधी वायनाड से जीत दर्ज करती हैं तो यूपी की तरह दक्षिण भारत में भी सियासी जुझारूपन देखने को मिलेगा। प्रियंका का मुकाबला वायनाड में बीजेपी की नव्या हरिदास और लेफ्ट के सत्यन मुकेरी से है। कांग्रेस के लिए भले ही ये सीट सुरक्षित मानी जाती हो, लेकिन लेफ्ट और बीजेपी जिस तरह से ताना बाना बुन रही है, उसके चलते लड़ाई दिलचस्प हो गई है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थप्रकाश टीवी।